हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। टीम इंडिया अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है, एशिया कप की दावेदारी भी पूरी कर चुकी है, लेकिन इस बीच टीम इंडिया के खेमे से एक ऐसी अपडेट आ रही है जिस अपडेट को जानकर आप भी कहेंगे कि यार किस्मत भी इतनी बुरी कैसे हो सकती है। क्योंकि देखिए, टीम इंडिया की किस्मत अगर बात की जाए तो अभी एक फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं कोच और कप्तान होते हैं, लेकिन इस बीच जो अपडेट आ रही है वो है टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ को लेकर। जी हां, टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ जो है वो एशिया कप 2022 में भारतीय खेमे के साथ यूएई में नहीं दिखाई देंगे। ये इसलिए क्योंकि राहुल द्रविड़ जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना संक्रमित हो गए हैं राहुल द्रविड़। देखिए, एशिया कप के लिए टीम इंडिया यूएई दौरे पे जाएगी, उसके लिए कहीं ना कहीं टीम इंडिया को एक प्रोटोकॉल से गुजरना होता है जिसमें सभी टीमों को गुजरना होता है। लेकिन टीम इंडिया की अगर बात करें तो टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होता है, और जिस तरीके से कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में कोविड केसेस के जांच के दौरान ही कोच जो है राहुल द्रविड़ वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से टीम इंडिया के लिए एक बहुत ही मुश्किल भरा ये वक्त होगा, ये लम्हा होगा। क्योंकि कोच और कप्तान जिस तरीके से राहुल द्रविड़ के साथ साथ रोहित शर्मा की जो एक कह सकते हैं जो साठगांठ थी, जो तालमेल थी, वो बहुत ही शानदार रही है। इसी की वजह से टीम इंडिया में लगातार हम जो बदलाव भी देखे हैं या फिर स्क्वाड में जो खिलाड़ी होते हैं जिन्हें मौके नहीं मिलते हैं उनको भी रोटेशन वाइज जो है उनको मौके दिए जाते हैं, तो जो कोच और कप्तान के बीच जो तालमेल है उसका ही नतीजा है टीम इंडिया के। अगर आप लगातार जो हाल ही परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे वेस्ट इंडीज दौरे की बात करें, इंग्लैंड दौरे की बात करें, जिम्बाब्वे दौरे की बात करें, वहां पे हालांकि जिम्बाब्वे दौरे पर जो है राहुल द्रविड़ जो है वो कोच की भूमिका में नहीं दिखाई देते, वीवीएस लक्ष्मण जो है वो कोच की भूमिका में थे। लेकिन जब से ये अपडेट आई है कि राहुल द्रविड़ जो है कोरोना संक्रमित हुए हैं, और ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि वो एशिया कप में टीम इंडिया के साथ पूरे एशिया कप के दौरान ही नहीं दिखाई देंगे, तो कहीं ना कहीं क्योंकि आइसोलेशन पीरियड भी होगा और एशिया कप जो है 27 अगस्त से शुरुआत होने वाली है, और 28 अगस्त को भारतीय टीम का पहला ही मुकाबला, भारतीय टीम एशिया कप 2022 का आगाज ही करेगी 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले मुकाबले से। और ऐसे में कोच को लेकर ऐसी खबर कहीं ना कहीं टीम इंडिया के फैंस के साथ साथ टीम के जितने भी सदस्य हैं जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी बहुत ही निराशा भरी खबर है। तो आपको ये बता दें कि एक विकल्प के तौर पे विवेश लक्ष्मण जो है वही एक विकल्प के तौर पे कोच की भूमिका में नजर आ सकते हैं एशिया कप 2022 में यूएई में भारतीय दल के साथ। और साथ ही साथ फैंस के जो लगातार रिएक्शन आ रहे हैं उसमें रवि शास्त्री का भी नाम लगातार आ रहा है कि कोच की भूमिका में वो दिखाई दे। लेकिन आपको बता दें कि कोच की भूमिका के तौर पे रवि शास्त्री का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो चुका है, जिसके बाद राहुल द्रविड़ को जो है भारतीय खेमे का कोच बनाया गया था। लेकिन कोविड संक्रमित होने के बाद अब वीवीएस लक्ष्मण जो है वो एकमात्र विकल्प के तौर पे सामने आ रहे हैं जो एशिया कप 2022 में भारतीय खेमे के साथ यूएई में नजर आएंगे बतौर कोच के तौर पे। इस खबर को लेकर आपको क्या कुछ कहना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ स्पोर्ट्स फैक्ट के तमाम अपडेट्स आपको पसंद आते हो तो प्लीज स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।